आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सिमरिया थाने में पदस्थ लापता आरक्षक का शव देर रात पूर्वा फॉल से बाहर निकाल लिया गया है। आरक्षक के परिजन भी सिमरिया पहुंचे और फॉल से निकाली गई लाश की पहचान आरक्षक दीपक अहिरवार के रूप में की है। बता दें कि आरक्षक ने पत्नी से हुए विवाद के बाद यह आत्मघाती कदम उठाया था। द्वितीय जलाशय आए हैं जी जी, और यहाँ पर हमारा लड़का ड्यूटी करता था जी, और रात में लड़के का फोन भी गया था, उसने लगाया था पापा क्या हो रहा, तो मेरे बेटा कुछ नहीं, और घर पे हमने कि सब ठीक है, भाई क्या कर रहे थे, हमने कि भाई जो है सफाई चल रही थी सुपोत आबादी में लगे थे, इसलिए हमने कि हम तो घर पे जा रहे हैं और दीपावली को आओगे बेटा, बोले आएंगे पापा, ये ठीक है। इतना कह के हम तो हार चले गए। उनकी माँ गई थी भजनन में बगल में, और जे दोनों आदमी की बात चलती रही, जब तक भी चली हुए उनने 12:30 बजे छोटे भाई को फोन लगाया कि पवन देखो पूजा बोल नहीं रहे, क्या इसने कुछ खा लिया। हेलो, उनको देखा बेहोश नहीं, दतिया ले आए हॉस्पिटल में, उनको होना दिखाया, होना मना कर दी, झांसी ले आए, बस इतना कह गए। फिर उसने बात नहीं की, भोर एकदम बात की, पापा हमको क्षमा करना, हमारी 100 गलती है, अब हम पापा चाहे कुछ भी कह देना आप, लेकिन अब हम कुछ नहीं कह पा रहे, इतना कहेगी फिर हमसे बात नहीं। आरक्षक से पहले उसकी पत्नी ने कीटनाशक निकल लिया था, जिसके बाद आरक्षक ने गहरे फॉल में छलांग लगा दिया। पुलिस द्वारा लगातार 3 दिनों से लापता आरक्षक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसका शव तीसरे दिन यानी गुरुवार की देर रात पूर्वा फॉल से बाहर निकाला गया है। पुलिस द्वारा शव का पीएम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। अपने थाने का रक्षक था दीपक अहिरवार, जो परसों सवेरे अपने पारिवारिक कारण से संभवतः कूद खत्म हो गया था, तो मिल नहीं रहा था, पर ये मान रहे थे कि हो सकता है कि ना कूदा हो, लेकिन अभी तो उसकी डेड बॉडी मिल गई नीचे पानी में, जिसके ऊपर निकलवा के पंचनामा करके कल सवेरे पोस्टमार्टम कराने परिजन को दिया जाएगा। परिजन भी साथ में हैं। परिजन कौन कौन है सर? परिजन में उनके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, और साले वगैरह भी आ गए। जी जी सर, पे जी जी, ये इस घटना के बारे में कुछ पहले से कुछ जानकारी या कि घर में कोई? इसके बारे में हम लोगों ने कोई जानकारी भी नहीं, हमारे उनको तो इतना रात में फोन किया गया है, जबकि मेरी लड़की ने कुछ गोली वोली खाली नींद की, तो फिर मैं आया हूँ अस्पताल में, तुरंत ही अस्पताल में जैसे आया हूँ तो फिर वो ठीक हो गई है, उसको कहते होश आया तो मैं छुट्टी करा के उसको वहाँ घर पे किया हूँ। फिर बाद में मेरे जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें आया पापा जी मुझे माफ़ करना, बस इतना लिखा है, बाकी और मैं उससे कोई बात भी नहीं हुई, ना मुझसे कुछ कहा है।